क्या आपका एम्प्लॉयर ईपीएफओ के डिडक्शन में डबल डिडक्शन करता है? वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपकी सैलरी से काटता है। अगर ऐसा है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जी हाँ, ईपीएफओ की वेबसाइट पे एफएक्यू नंबर 1 में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी सैलरी से एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन में लिखा गया है कि क्या वेदर एन एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट एम्प्लॉयर शेयर ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, और इसके आंसर में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, नो इट्स नॉट परमिसिबल, एनी सच डिडक्शन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। जी हाँ, अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है तो ये कानूनी रूप से वैध नहीं है। दरअसल में बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनकी सैलरी से ईपीएफ का डबल डिडक्शन होता है। एज पर ईपीएफ रूल, आपकी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से उतना ही, यानी कि ठीक 12% पैसे एम्प्लॉयर को भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए ईपीएफ के लिए। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन 1500 रुपए बनता है तो ठीक 1500 रुपए और एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन कई सारे लोगों की शिकायत होती है कि ये डबल डिडक्शन, यानी कि दो बार 1500 रुपए मेरे और 1500 रुपए ऑर्गेनाइजेशन के, दोनों ही मेरी सैलरी से काट लिए गए हैं। और अगर ऐसा है तो ये कानूनी रूप से इनकरेक्ट है और आप इसके अगेंस्ट शिकायत कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शिकायत करने से पहले इसको विस्तार से समझने की जरूरत है। दरअसल में जब ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर लेटर देती है या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर देती है जिसमें सैलरी का स्ट्रक्चर बताया जाता है, उसमें एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों ही दिखाया जाता है। आपको ये बहुत क्लियरली अपने एचआर मेंबर से समझना चाहिए कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका हिस्सा है, एम्प्लॉयर अलग से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है या आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है। क्योंकि दरअसल में सीटीसी को दिखाने के लिए, सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, टोटल कॉस्ट कंपनी का कितना जा रहा है एक एम्प्लॉय को हायर करके सैलरी देने में। मान लीजिए कि आपकी मंथली सीटीसी 25,000 रुपए है और उस 25,000 रुपए को देने के लिए जो कुछ भी कंट्रीब्यूट ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है वो उसका सीटीसी होगा। जैसे कि आपका प्रोफेशनल टैक्स, आपका ईपीएफ या दूसरा कोई सा भी टैक्सेस, ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट टू कंपनी के रूप में, यानी कि एक कंपनी का खुद का ओवरऑल कॉस्ट। लेकिन इस ओवरऑल कॉस्ट का मतलब ये कतई नहीं है कि वो ईपीएफ का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी सैलरी से काटे। तो इसे ठीक से समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी यानी सीटीसी 25,000 रुपए है और उसमें बेसिक सैलरी के आधार पे कॉन्ट्रीब्यूशन जो दिखाया गया है आपके ईपीएफ का वो 1500 रुपए है। वो ईपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 1500 रुपए है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या उसमें दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है आपके सीटीसी में? अगर आपके सीटीसी में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाया गया है और फिर भी अगर आपकी सैलरी से 1500 प्लस 1500 यानी कि 3000 रुपए डिडक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ गलती कर रही है। आप इसके अगेंस्ट शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सीटीसी में ये दिखाया गया है, टोटल कॉस्ट टू कंपनी में ए बी सी डी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपकी प्योर सैलरी दिखाई गई है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, आपका एचआरए कितना होगा या बाकी और अलाउंसेस कितने होंगे, साथ में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन दिखाया गया है और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ भी दिखाया गया है और सबको मिला के सीटीसी दिखाई गई है, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि उसमें से कौन सा सीटीसी का पार्ट है और कौन सा इन हैंड सैलरी का पार्ट है। अदरवाइज आपको ये कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहेगा कि मेरी सीटीसी 25,000 रुपए है जबकि कटने सिर्फ 1500 रुपए चाहिए पीएफ के लिए, 3000 कट जाते हैं और सिर्फ 22,000 रुपए इन हैंड में आते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 25,000 में से सिर्फ 1500 रुपए कटेंगे, यानी कि 23,500 रुपए इन हैंड आना चाहिए था जबकि दरअसल में 3,000 रुपए डिडक्ट हो गए और फाइनली हाथ में सिर्फ 22,000 रुपए आए, तो इतना ज्यादा डिडक्शन क्यों हो गया? तो अगली बार जब भी आप कहीं नया ऑफर ले रहे हैं या फिर एचआर टीम के साथ, पेरोल टीम के साथ या फाइनेंस टीम के साथ अपनी सैलरी का निगोशिएशन कर रहे हैं तो बहुत क्लियरली डिस्कस करें कि क्या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी सीटीसी का हिस्सा है या नहीं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी।
इस जानकारी को और अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जिनको इसकी जरूरत है वो लाभान्वित हो पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में अगली बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।